हम यहाँ पर आए हैं देवरिया ताल में, जो कि देवरिया ताल, अंकल जी ने मुझे करेक्ट कर दिया, देवरिया ताल जो कि चोपटा में है और विलेज पड़ता है सारी विलेज पड़ता है। और मेरे हिसाब से तो बहुत इसकी पौराणिक मान्यताएं हैं, लेकिन हम लाइव अंकल जी से पूछेंगे यहाँ पर जो बैठे हुए हैं और काफी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, ये हमारे को एक्चुअल प्रमाण बताएंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हमेशा जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ बताया जाता है। तो इसीलिए अंकल से हम पूछ रहे हैं, अंकल जी जरा कुछ इसके इतिहास के बारे में बताइए। इतिहास के बारे में क्या है, उधर चोपटा है, तुंगनाथ है, बद्रीनाथ रोड है, और इधर थोड़ा सी ये देवरा ताल है, यहाँ देवरा, और यहाँ हमारे गांव वाले, हमारा दादा नानी ने सबने कहा यहाँ पे शेषनाग ने ये घेरा मारा हुआ है, वो ताल बन गया ना, कभी वो सूखता है, उसकी गहराई बहुत लंबी है, पानी दिखाई नहीं देता है, कहाँ से निकलता है और कहाँ को जाता है, गहराई का अभी था नहीं है। लेकिन एक पौराणिक मान्यता ये भी है उसकी कि जब महाभारत युद्ध हुआ था तो पैदल चले थे पांडव, श्री कृष्ण ने कहा तुम केदार बद्री करो तब तुम्हारा मोक्ष हो सकता है, वरना नहीं, भाई गुरु देवता सब पुत्र पौत्र सब मार दिए तुमने, यज्ञ भी किया उसे भी नहीं हुआ, श्री कृष्ण ने कहा जाओ फिर बद्रीनाथ केदारनाथ, तब यहाँ से पैदल चले आए थे बद्रीनाथ के लिए, तब उन्होंने पानी यहाँ पे पानी पीने की कोशिश की, यक्ष ने कहा कि भाई पहले मेरे सवाल का जवाब दो उसके बाद पानी पीना, नहीं तो गए काम से। भीम ने कहा अब साठ हाथियों का बोला है, इतना महाभारत तुमने कर दिया, ये होता कौन है, उसने पका पानी और एक एक करके सब मूर्छित होते गए, सिर्फ लास्ट में युधिष्ठिर बचे थे। बस 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 वही कहानी है, लास्ट में पांच प्रश्न पूछे थे यक्ष ने, बस दुनिया में सबसे बढ़कर क्या है, यही प्रश्न थे कि माँ से बढ़कर कुछ नहीं है और मन से बढ़कर कुछ नहीं है, अभी आप कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, महाभारत का युद्ध आप मन मस्तिष्क देख रहे होंगे, भाई ऐसे ही कहानी है बताते हैं, बस यही वो हिंदू मान्यता, हिंदू जो पुराण हमारे जो हमारे बुजुर्ग बता के गए हैं तो उनके हिसाब से यही है, ये दर पीढ़ी इन्फॉर्मेशन आगे जाती रहती है। और अंकल जी को भी इनके बुजुर्गों ने बताया था, ये भी अपनी आगे वाली पीढ़ियों को बता रहे हैं और इनके माध्यम से हम आप सबको भी बता रहे हैं, तो प्लीज इसको आइए, इनको देखिए, टूरिज्म बढ़ाइए, और ये ऐसी चीजें हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति को और उज्ज्वल करती हैं और बढ़ाती हैं इनको, तो आपसे यही निवेदन है आप यहाँ पर भी आइए और इनसे इनका भी मतलब थोड़ा बिजनेस बढ़ेगा और टूरिज्म बढ़ेगा। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अंकल जी आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया जो आपने हमारे को इतनी इन्फॉर्मेशन दी, धन्यवाद हमारे ऑडियंस को आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी, तो धन्यवाद। आपका नाम क्या अंकल जी? भीमराज सिंह नेगी। भीमराज सिंह नेगी जी का धन्यवाद। तो ग्राम सारी जी हाँ, अच्छा, और साड़ी के बारे में भी कुछ ऐसे कुछ है क्या कि इतिहास क्या है इसका? साड़ी का इतिहास तो क्या है, वो पुरानी से चला आया है, देवभूमि देवभूमि है बस, यहाँ सारी इसलिए उसका नाम पड़ा, खेतों का सार है, उत्तर दक्षिण पूरा बीच में गांव है। अच्छा। बहुत टूरिज्म आते हैं, बहुत देखते हैं, बस उनको ये होता है कि कभी घर काम करें तो अपने दिमाग से थकावट सारी दूर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद आपका। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, धन्यवाद। ठीक है अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी ये जूस है क्या, किस चीज का जूस है ये वाला, आप ये बताएंगे जरा? क्यों नहीं बताएंगे, ये पेट फ्लावर यहाँ का लोकल है, उत्तराखंड का, बस ये उत्तराखंड स्टेट ट्री का, ये मई में समाप्त होता है, जनवरी फरवरी मार्च तक लगता, मार्च अप्रैल तक, अब मई में लास्ट हम इसको बना के रख देते हैं, उसमें कुछ मिलावट नहीं है, चीनी है, थोड़ा साइट्रिक एसिड मिलाते हैं जिससे खराब ना हो बस। तो ये बना बनाया कब तक, मतलब खराब नहीं होता ये? बिल्कुल साल भर तक चलता है, बिल्कुल एकदम हम। अच्छा, साल भर चलेगा? जी हाँ, हम पेड़ों पे चढ़ते हैं, फूल निकालते हैं, फिर बॉयल करते हैं यहाँ पे, फिर निचोड़ते हैं, फिर उसमें चीनी। अच्छा, इसकी इसकी तासीर कैसी होती है, गर्म के ठंडी? अरे नॉर्मल, सब कुछ फिट होता है, वो हार्ट के लिए सबसे बढ़िया, पेट के लिए तो ये सब लोग मूत्राशय से लेकर आंसू गैस तक भी फिट रहता है, आंसू तक। अब बता, तू ही बता दे कैसा लगा? बालिका को ना एसिडिटी होती है, बिल्कुल फिट मिले, जब एसिडिटी होती है तुझे क्या। अरे यहाँ के फलों के बारे में भी बताऊंगा मैं, यहाँ किरमोड़ होती है, हिसर यहाँ होती है, काफल यहाँ होता है, बहुत गंगर भी यहाँ होता है, सारे पशु पक्षी नीचे से उड़ के यहाँ आ जाते हैं, सब खा लेते हैं, बस तो क्या, ये तो बहुत बढ़िया बस। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। तो ये हैं जो या मतलब
श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, यहाँ पर बहुत भीड़ हुई पड़ी है और यहाँ पर जूस पिया जा रहा है और ये है वो शख्स प्राकृतिक जूस। हम अपनी थकावट दूर कर रहे हैं। लग तो नीरा दूर होगी आपकी थकावट। हम आए ऑस्ट्रेलिया से। तो ये है गाइस देवरिया ताल की।